यूपी के अलीगढ़ की कोतवाली इगलास में शराब माफिया एक बार फिर अवैध शराब का कारोबार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात इगलास पुलिस की जाए तो पुलिस के द्वारा भी अपनी मुस्तैदी जाहिर करते हुए शराब माफियाओं पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उनकी कमर तोड़कर रख दी है। इसका जीता जागता उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब इगलास पुलिस द्वारा मथुरा रोड पर युवान ढाबा पर चेकिंग की जा रही थी। उस समय इगलास की तरफ से एक डंपर सफेद नीले रंग का आता दिखाई दिया तो पुलिस को देखकर डंपर चालक गाड़ी को रोककर भागने का प्रयास करने लगा। शक होने पर पुलिस पार्टी द्वारा पीछे करके डंपर पर बैठे दो व्यक्तियों को पकड़ लिया। वहीं दो लोग मौके से भाग निकले। मामले में एसपी ग्रामीण अतुल शर्मा द्वारा बताया गया कि बहुत दिन से थाना इगलास के अंतर्गत दूसरे प्रांत की अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा मौके पर दो आरोपियों के पास से एक डंपर में 300 पेटी अवैध शराब बरामद की गई तो वहीं मौके से दो आरोपी फरार हो गए हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए गए अवैध क्रियाओं के ऊपर अभियान में इसी में कल रात को 28 तारीख को थाना इगलास में वरिष्ठ उप निरीक्षक और वरिष्ठ उनके साथ हमारा चेकिंग में लगे हुए थे। तभी अलीगढ़ मथुरा रोड पर ढाबा है, ढाबे से ही इन्होंने डंपर को देखा जिसको रुकवाकर इन्होंने इसकी चेकिंग करी तो वो लोग भागने का प्रयास किए, जिसमें से हमने दो लोगों को पकड़ लिया और दो लोग भागने में कामयाब रहे। उसी में हमने जब डंपर चेक किया तो उसमें करीब 300 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है जो हरियाणा से लाई जा रही थी। इसमें करीब 270 पेटी जो है वो विस्की है और 30 पेटी रम। लगभग कितनी कीमत होगी शराब की? इसकी लगभग कीमत होगी 3 लाख रुपए। सर, ये कहाँ पर सेल करने के लिए जा रहे हैं? ये लोग इन अभी मथुरा ही ला रहे थे यहाँ पर और यहीं पर इनका सेल करने का इरादा। यूपी के अलीगढ़ से डीएनयू के लिए रिंकू शर्मा की रिपोर्ट।